केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। स्मार्ट सिटी भागलपुर में पीएम आवास योजना की रफ्तार धीमी, महज 178 घर का काम हो सका पूरा। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में प्रगति लाने के लिए सरकार ने विशेष तौर पर सिविल इंजीनियर व डाटा ऑपरेटर को एजेंसी के माध्यम से बहाल किया था, लेकिन जुलाई माह में इसकी सेवा समाप्त कर दी गई। इससे आवास योजना का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लाभुकों को आवास योजना के अद्यतन रिपोर्ट व फोटोग्राफ के लिए सरकार के वेबसाइट पर जियो टैग नहीं किया जा सका। भागलपुर के 5000 बेटियों के लगभग 12.5 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के आवेदन टीएमबीयू में पेंडिंग। बेटियों के सपने को मुकाम मिले, इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन सिस्टम की लेट लतीफी के कारण इसका लाभ समय पर बेटियों को नहीं मिल रहा है। भागलपुर की 5000 बेटियों के आवेदन विश्व विद्यालय स्तर पर पेंडिंग है। इन सबको 25-25 हजार रुपए मिलने हैं, यानी कुल मिलाकर लगभग 12.5 करोड़ रुपए मिलने हैं जो सरकार के पास जमा है। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत करीब 5000 आवेदन प्रक्रियाधीन है। इसके लिए परीक्षा विभाग में आवेदनों को सत्यापित करने का कार्य जारी है। सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपियों के 34 मकान व जमीन लॉक। सृजन घोटाला मामले में 9 आरोपियों के 34 मकान व जमीन का अब निबंधन नहीं हो सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार सभी आरोपियों के चिन्हित प्रॉपर्टी को भागलपुर रजिस्ट्री कार्यालय ने रॉक कर दिया है। सूची में शामिल तमाम जमीन और फ्लैट को लॉक करने की कार्रवाई जिला अवर निबंधक कार्यालय द्वारा की गई है। अब इसकी बिक्री व खरीदारी तब तक नहीं हो सकेगी जब तक कि इसे अनलॉक करने का निर्देश नहीं जारी हो जाए। इससे पहले भी आरोपियों की संपत्ति पर खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी तथा उनके बैंक खातों को सीज कर दिया गया था। भागलपुर में ट्रेन में मिली युवक की लाश, जम्मू तवी जंक्शन से आई थी ट्रेन, सफाई कर्मी को बॉडी में लाश मिलता। भागलपुर रेलवे जंक्शन पर एक युवक की लाश बरामद हुई है, हालांकि उसकी पहचान अब तक नहीं हुई है। रेल पुलिस ने उसके पास से मोबाइल बरामद किया है। पुलिस इस फोन के आधार पर उसकी पहचान करने में जुटी है। इधर गुरुवार दोपहर शव मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। रेल पुलिस के अनुसार जम्मू तवी जंक्शन से खुलकर एक ट्रेन भागलपुर पहुंची, तब सभी यात्री ट्रेन से उतर गए। तब सफाई कर्मी ट्रेन में प्रवेश किया तो देखा कि एक युवक जनरल बोगी में पड़ा हुआ है। जांच करने पता चला कि युवक मृत पड़ा था। अब हिंदी फिल्म के बड़े पर्दे पर दिखेंगी भागलपुर सुल्तानगंज की लड़की काव्या कश्यप। भागलपुर के सुल्तानगंज की बेटी काव्या कश्यप बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही है। इससे पहले काव्या ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई हिट सीरीज दिए हैं। बचपन से ही थिएटर का शौक रखने वाली काव्या की बड़े पर्दे पर ये पहली मूवी है जिसको लेकर वह काफी उत्साहित हैं। अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहने वाली काव्या का जन्म सुल्तानगंज में हुआ था। बुधवार को काव्या अपने परिवार के साथ सुल्तानगंज पहुंची। पिता एस्ट्रोलॉजर संजय कश्यप और माँ एस्ट्रोलॉजर अर्चना कश्यप हैं। बताया कि काव्या को बचपन से ही थिएटर का शौक रहा है। इसके बाद 2015 में उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट के रूप में करियर शुरू किया। Z5 की प्रसिद्ध वेब सीरीज लाल बाजार में भी काव्या काम कर चुकी है। काव्या कोलकाता विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा है। भागलपुर जिले में कहलगांव प्रखंड में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद लिया जिसमें एक महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि अपने घर में से ट्रेन पकड़ने के लिए कहलगांव स्टेशन वो जा रहा था। उसी क्रम में हीरो होंडा शोरूम के पास कहलगांव तरफ से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इसमें बताया जा रहा है कि दो परिवार शामिल थे, गाड़ी उनका पोता चला रहा था। गाड़ी पर सवार महिला दादी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।